अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन दी स्कॉलरशिप जैकेट, स्कॉलरशिप की जैकेट, रिटन बाय मार्ता सेलिनोस। इन्होंने ये लेसन लिखा है। अब हम अपनी लेसन की रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। दिस स्मॉल टेक्सास स्कूल दैट आई अटेंडेड कैरिड आउट अ ट्रेडिशन every year during the 8 grades graduation। कहती हैं क्या ये मार्ता की, वैसे तो ये रियल स्टोरी है। कहती हैं टेक्सास के एक छोटे से स्कूल में that I attended के जहाँ पर मैं हाजिर होती थी या पढ़ती थी, carried out a tradition, वहाँ पर एक ये रिवायत थी, उस पर ये रिवायत पर अमल किया जाता था। एवरी ईयर, हर साल एक रिवायत पर अमल किया जाता था। ड्यूरिंग द 8th ग्रेड ग्रेजुएशन के आठवां दर्जा जो पास करने वाले जो तालिब इल्म थे उनके लिए एक रिवायत थी। वो क्या थी? अ ब्यूटीफुल गोल्ड एंड ग्रीन जैकेट, के एक बहुत ही खूबसूरत सोने की और सब्ज़ रंग की जो जैकेट है। द स्कूल कलर्स, स्कूल के रंग वाली। Was awarded to the class valedictorian, तो वो जो है क्लास को, उस क्लास के किसी बच्चे को नवाजी जाती थी जो कि valedictorian होता था, यानी कि रुख्सत के वक्त या अलविदाई जो उनका खुतबा होता था उस वक्त वो जो तालिब इल्म होता था उसको दी जाती थी, जिसको वो चुनते थे। अब वो बता रहे हैं किस स्टूडेंट को दी जाती थी। द स्टूडेंट हु हैड मेंटेन द हाइस्ट ग्रेड्स फॉर 8 years, उस तालिब इल्म को दी जाती थी जो कि 8 सालों तक बुलंद तरीन अपने दर्जे पर, हाईएस्ट ग्रेड मतलब सबसे ऊपर दर्जे पर, इट मींस कि वो हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन ही गेन करता रहा हो, नर्सरी से लेके 8 क्लास तक, जो हर क्लास में फर्स्ट आया हो और उसने अपनी ये पोजीशन मेंटेन भी रखी हो, उसे जो है एजाज़ के तौर पर यह जैकेट स्कूल वाले देते थे। दिस स्कॉलरशिप जैकेट हैड अ बिग गोल्ड ऑन द लेफ्ट फ्रंट साइड एंड द विनर्स नेम वॉज रिटन इन गोल्ड लेटर्स ऑन द पॉकेट। अब वो थोड़ा सा हमें उस जैकेट के बारे में बता रही हैं कि वो किस तरह की होती थी। दिस स्कॉलरशिप जैकेट हैड अ बिग गोल्ड, कि ये जो स्कॉलरशिप जैकेट है इसके सामने एक बड़ा सा सोने का जो है गोल्ड, यानी कि सोना होता था, कहाँ पर? ऑन द लेफ्ट फ्रंट साइड, जो उसके बाएं तरफ एक बड़ा सा सोने का क्या होता था, सोने का राउंड सा होता था सर्कल वहाँ पे। एंड द विनर्स नेम वाज रिटन इन गोल्ड लेटर्स, और वो जो बच्चा या बच्ची जो विनर होता था उस जैकेट का, उसका नाम लिखा होता था इन गोल्ड लेटर्स, सोने के हरफों में लिखा होता था, ऑन द पॉकेट जेब पर, यानी कि उस जैकेट की जो जेब थी उस पर जीतने वाले का नाम भी सोने से लिखा होता था, और इस तरह की वो ये जैकेट थी। My oldest sister Rosie had won the jacket a few years back and I fully expected to win also। अब मार्ता क्या कहती हैं? कहती हैं मेरी सबसे बड़ी बहन जो थी रोजी, उन्होंने भी ये जैकेट जो है चंद साल पहले जो है वो जीती थी। एंड आई फुली एक्सपेक्टेड, और कहती अब मैं भी जो है पूरे तौर पर ये जो है एक्सपेक्ट कर रही थी, ये तवक्का कर रही थी कि अब ये मुझे मिले, या फिर जीतने की पूरी तवक्को रखती थी। आई वॉज 14 एंड इन द 8th ग्रेड। अब अपने बारे में बताती हैं कि मैं 14 साल की थी और मैं 8वीं क्लास में थी। आई हैड बीन अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट सिंस द 1st ग्रेड। अब वो बता रही हैं कि मैं पहले दर्जे से ही जो है वो सीधी ए स्टूडेंट, यानी कि पहले दर्जे की ए तालिब इल्म रही थी, मतलब हमेशा वो ए ग्रेड लेती रही थी। एंड लास्ट ईयर आई हैड लुक्ड फॉरवर्ड टू अर्निंग दैट जैकेट, कहती हैं और आखिरी साल ही मैंने क्या किया कि आई हैड लुक फॉरवर्ड, मैं आगे देखने लगी, यानी कि तवक्को करने लगी, किस चीज़ की? टू अर्निंग दैट जैकेट, कि वो जो जैकेट है उसकी मालकन बनने की, कि मुझे यही ख्वाहिश होने लगी कि उसकी मालिक तो मैं ही होंगी, क्योंकि मैं मुसलसल 8 सालों से ए ग्रेड की स्टूडेंट रही हूँ। माई फादर वॉज अ फार्म लेबरर हु कुड नॉट अर्न इनफ मनी
टू फीड 8 चिल्ड्रन। अब वो थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बता रही हैं कि मेरे जो फादर हैं वो एक फार्म लेबरर यानी कि खेत में काम करने वाले मज़दूर थे हु कुड नॉट अर्न इनफ मनी, जो कि इतनी ज़्यादा रकम नहीं कमा सकते थे जो कि 8 बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए काफ़ी हो। सो When I was 6, कहती हैं लिहाजा जब मैं 6 साल की हुई, I was given to my grandparents to be raised, तो कहती हैं मुझे मेरे दादा दादी के सुपुर्द कर दिया गया ताकि वो मेरी परवरिश करें। We could not participate in sports at school because There were registration fees, uniform costs, and trips out of town. So, even though we were quite agile and athletic, there would never be a sports school jacket for us. अब वो मज़ीद अपने बारे में कहती हैं कि हम हिस्सा नहीं ले सकते थे किस चीज़ में, खेलों में जो स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं। कहती हम स्कूल के खेलों में हिस्सा नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती थी यानी कि दाखिले की फ़ीस होती थी, इसके अलावा यूनिफॉर्म के पैसे लगते थे और ट्रिप्स आउट ऑफ टाउन, उस इलाके के बाहर के ट्रिप्स होते थे जहाँ पर वो लोग लेकर जाते थे। और वो कहती हैं कि इवन दो अगरचा वी वर क्वाइट एजाइल, कि हम एजाइल मीन्स फुर्तीली, मतलब कहती मैं बहुत फुर्तीली थी मतलब एक्टिव बच्ची थी, लेकिन फिर भी मैं पार्टिसिपेट नहीं करती थी क्योंकि ये सब कुछ वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस और यूनिफॉर्म की जो ख़र्चा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो कहती है कि ये जो स्कूल के स्पोर्ट्स स्कूल जैकेट के स्कूल के जो खेलों वाली जैकेट है वो हमारे लिए कभी भी नहीं होगी। दिस वन, यही एक, दिस वन कौन सी? दी स्कॉलरशिप जैकेट, ये जो स्कॉलरशिप जैकेट थी, वॉज आवर ओनली चांस, कि यही हमारा वाहिद मौका थी। इन मई क्लोज टू ग्रेजुएशन स्प्रिंग फीवर स्ट्रक एंड नो वन पेड एनी अटेंशन इन क्लास। कहती है कि मई का जब महीना आया क्लोज टू ग्रेजुएशन, तो इनका जो सेशन था, इनकी जो क्लास थी वो ख़त्म होने के करीब थी। स्प्रिंग फीवर स्ट्रक, तो मौसम बहार का जब वक्फ़ा आया, एंड नो वन पेड एनी अटेंशन इन क्लास, तो कोई भी जमात में पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता था। इंस्टेड वी स्टेयर्ड आउट द विंडोज़ एंड एट ईच अदर, कहती इसकी बजाय हम या तो सारा दिन खिड़की से बाहर देखते रहते थे या एक दूसरे को देखते रहते थे। वॉन्टिंग टू स्पीड अप द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ स्कूल, और हम ये चाहते थे ये जो स्कूल के आखिरी चंद हफ्ते हैं ये तेज़ी से गुजर जाएं, क्योंकि एंड था, कोर्स उनका कंप्लीट हो गया था, इसलिए पढ़ाई पे कोई ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा था। वन डे, अब बताती हैं कि एक दिन क्या हुआ, अब उस दिन का वाकया वो जो है हमसे शेयर कर रही हैं। आई एब्सेंट माइंडेडली वांडर्ड फ्रॉम माय हिस्ट्री क्लास टू द जिम, कहती हैं कि एक दिन मैं अपने दिमागी तौर पर वहाँ मौजूद नहीं थी, मतलब एब्सेंट माइंड थी, तो वांडर्ड मैं ऐसे इधर उधर फिर रही थी फ्रॉम माय हिस्ट्री क्लास, के तारीख की क्लास लेकर मैं बाहर निकली हूँ टू द जिम। जिम कहते हैं वो जगह जहाँ पर वर्जिश वगैरह करवाई जाती है, कि मैं जिम गई। अनदर आवर ऑफ स्वेटिंग इन बास्केटबॉल एंड डिस्प्लेइंग माय टूथपिक लेग्स वाज कमिंग अप, कहती हैं कि एक और अनदर आवर ऑफ स्वेटिंग, के एक और घंटा किस चीज़ का? स्वेटिंग, पसीना पसीना होने का मेरा, कि मैं ज़ाहरी बात है जिम है वहाँ पे वर्जिश करती हैं और इनको बास्केटबॉल, कहती मैं खेलूँगी तो मैं एक घंटे तक पसीना पसीना हो जाऊँगी। एंड डिस्प्लेइंग माई टूथपिक लेग्स, और कहती मेरी इतनी पतली टांगे, जिस तरह से टूथपिक कहते हैं जो दांत साफ़ करने वाले जो तिनके होते हैं, कहती उन तिनकों की तरह मेरी पतली पतली टांगों को डिस्प्लेइंग यानी कि उनका मुजाहरा करने का वक्त जो है वो आ रहा था। अब वो आगे क्या बताती हैं कि जा रही हैं वहाँ पे जिम के लिए, तो क्या हुआ? देन आई रिमेंबर माई PE यानी कि फिज़िकल एक्सरसाइज शॉर्ट्स वर स्टिल इन अ बैग
under my desk where I had forgotten them. कहती हैं कि फिर मुझे अचानक से याद आया कि जो मेरे फिज़िकल एक्सरसाइज यानी कि जिस्मानी वर्जिश की जो शॉर्ट्स हैं यानी कि जो उसका ट्राउज़र है वर स्टिल इन माई बैग, वो अभी भी मेरे बैग में था अंडर माई डेस्क, जो कि मैंने अपने डेस्क में रखा हुआ था. एंड वेयर आई हैड फॉरगॉटन देम, कि जहाँ पर मैं उसे भूल गई थी. आई हैड टू वॉक ऑल द वे बैक एंड गेट देम, कहती हैं कि मुझे अब वो सारा रास्ता पैदल जाना था और उसे हासिल करना था, यानी कि वो जो अपना भूल आई है अपना पी का जो शॉर्ट्स हैं उसे लेने वापस जाना था. क्यों जाना था वो आगे उसका रीज़न अभी बता रही हैं. कोच मिसेस थॉमसन, कि जो उनकी कोच थी यानी कि जो उन्हें फिज़िकल एक्सरसाइज सिखाती थी, वाज अ रियल बियर, कहती वो असल में ही बिल्कुल रीछनी दिखाई देती थी. इफ़ एनीवन वाज नॉट ड्रेस्ड फॉर पीई, कि अगर कोई भी बच्चा जिस्मानी वर्जिश के लिए ठीक तरह से जो उनका ड्रेस है वो ना पहन के आता तो वो बिल्कुल हकीकत में एक हमें बियर लगती, मतलब वो बहुत गुस्सा करती थी. इस वजह से अब वो वापस जा रही है और अपनी शॉर्ट्स उठाकर लाने के लिए. शी हैड सेड दैट आई वॉज अ गुड फॉरवर्ड एंड वंस शी इवन ट्राइड टू टॉक ग्रैंडमा इन टू लेटिंग मी ज्वाइन द टीम. ग्रैंडमा of course said no. She had said that, कहती हैं उन्होंने कहा था, यानी कि अपनी जो कोच हैं उनकी बात कर रही हैं, उन्होंने कहा था आई वॉज़ अ गुड फॉरवर्ड, कि मैं एक अच्छी आगे बढ़ने वाली हूँ, मतलब उन्होंने देखा कि इसके अंदर क्वालिटी है और ये स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे जा सकती है. एंड वंस और एक दफ़ा, शी इवन ट्राइड, उन्होंने कोशिश भी की टू टॉक ग्रैंडमा के इसकी दादी से बात करने की. इन टू लेटिंग मी ज्वाइन द टीम, कि ये जो टीम है स्पोर्ट्स वाली उसमें इसे मार्ता को शामिल होने दिया जाए. ग्रैंडमा ऑफ कोर्स, तो कहती हैं दादी जो है बिलाशुबा उन्होंने क्या कहा था, सेड नो, यानी कि उनका जवाब था नहीं. I was almost back at my classroom's door when I heard angry voices and arguing. कहती है कि मैं तकरीबन अपनी जमात के दरवाज़े तक पहुँच ही गई थी. When I heard, कि जब मैंने सुनी, क्या सुनी, angry voices, गुस्से वाली आवाज़ें, and arguing, और बहस वाली आवाज़ें सुनी. I stopped, तो कहती है कि मैं रुक गई वहीं पर. I did not mean to eavesdrop, कहती मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं छुपकर उनकी बात सुनूं. I just hesitated, कि मैं बस इसलिए रुक गई क्योंकि मैं ज़रा हिचकिचाई. Not knowing what to do, और मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या करूं. I needed those shorts and I was going to be late, कि अब ये तो अपनी वो शॉर्ट्स लेने आई थी ना जो ट्राउज़र भूल गई थी, कहती मुझे वो चाहिए था. एंड आई वॉज़ गोइंग टू बी लेट, और मुझे उसके लिए देर हो रही थी. बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू इंटरप्ट एंड आर्गूमेंट बिटवीन माई टीचर्स, कहती हैं लेकिन आई डिड नॉट वॉन्ट, मैं ये नहीं चाहती थी कि इंटरप्ट करूँ, मुदाखलत करूँ एंड आर्गूमेंट, कि वो जो उनकी बहस हो रही है बिटवीन माई टीचर्स, कि मेरे टीचर्स के दरमियान जो बहस चल रही है उसमें मुदाखलत करना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी. आई रिकोगनाइज्ड द वॉइस, कहती हैं मैंने वो आवाज़ें पहचान ली थी, जो दो आवाज़ें आपस में बहस कर रही थी, तो वो कौन कौन थी. मिस्टर श्मिट, माई हिस्ट्री टीचर, के एक तो थे मिस्टर श्मिट थे जो कि इसकी हिस्ट्री के तारीख के उस्ताद थे, एंड मिस्टर बून, और दूसरे मिस्टर बून थे माई मैथ टीचर, जो कि इनके मार्टा के मैथ के टीचर थे. दे सीम्ड टू आर्गूइंग अबाउट मी, कहती हैं वो ऐसे लग रहा था कि मेरे बारे में बहस कर रहे हैं. अब जब अपने टीचर्स को उन्होंने बात करते हुए सुना है तो क्या कहती हैं. आई कुड नॉट बिलीव इट, कि मैं इस पर यकीन ना कर सकी. आई स्टिल रिमेंबर द शॉक दैट रूटेड मी फ्लैट अगेंस्ट द वॉल एज इफ आई वर ट्राइंग टू ब्लेंड इन विद द ग्राफिटी रिटन देयर, कहती हैं आई स्टिल रिमेंबर द शॉक, कहती मुझे
अभी भी वो सदमा याद है दैट रूटेड मी फ्लैट, कि जिसने मुझे बिल्कुल ही रूटेड मी फ्लैट बिल्कुल ऐसे दीवार के साथ लगा दिया था अगेंस्ट द वॉल, कि दीवार के साथ इस कदर लगा दिया था कि एस आई वर ट्राइंग, कि जैसे कि मैं कोशिश कर रही थी किस चीज़ की, टू ब्लेंड इन, कि उसी में ब्लेंड हो जाऊँ, मिक्स हो जाऊँ विद द ग्राफिटी। ग्राफिटी कहते हैं कि दीवार पर तहरीर जो इश्तिहार होता है, कि दीवार पर जो तहरीर इश्तिहार है रिटन देयर, कि वहाँ पर जो लिखा हुआ था, कहती हैं कि जो लग रहा था मुझे कि मैं दीवार में इस तरह इतनी अंदर हो जाऊँगी कि इश्तिहार के साथ बिल्कुल ही मिक्स हो जाऊँगी, यानी कि उसके साथ घुल मिल जाऊँगी। आई रिफ्यूज़ टू डू इट, मैंने ये करने से इनकार किया। आई डोंट केयर हु हर फादर इज़, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कि उसका बाप कौन है। हर ग्रेड्स डोंट इवन बिगिन टू कंपेयर टू मार्थास, के उसके जो ग्रेड्स हैं यानी कि उसके जो दर्जे हैं वो अभी तक मार्था के दर्जों का मुकाबला करना शुरू भी नहीं हुए। आई वॉन्ट लाई और फॉल्सिफाई रिकॉर्ड्स, कि मैं जो है बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा और गलत रिकॉर्ड नहीं बनाऊँगा। मार्था हैज़ अ स्ट्रेट ए प्लस एवरेज एंड यू नो इट, कि मार्था जो है वो बिल्कुल उसके सीधे सीधे ए प्लस ग्रेड है उसकी औसत जो है, एंड यू नो इट, और तुम ये जानते भी हो। अब ये सब ये वाली बात जो अभी यहाँ से यहाँ तक किसने की है, दैट वाज मिस्टर श्मिट, ये बात मिस्टर श्मिट ने की है। एंड ही साउंडेड वेरी एंग्री एंग्री, और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होने का भी तासुर दे रहे थे। मिस्टर बोन्स वॉइस साउंडेड काम क्वाइट, और मिस्टर बून की आवाज़ जो है वो बिल्कुल ही मुतमईन और पुरसकून जो है वो महसूस हो रही थी। अब आगे से मिस्टर बून क्या जवाब दे रहे हैं, लुक देखो, जॉन्स फादर इज़ नॉट ओनली ऑन द बोर्ड, ही ऑन्स द ओनली स्टोर इन द टाउन। कहते हैं कि जॉन के जो फादर हैं वो ना सिर्फ जो बोर्ड है उसके मेंबर हैं बल्कि वो कस्बे का जो वाहिद स्टोर है उसके भी मालिक हैं। वी कुड से इट वाज अ क्लोज टाई एंड, हम कह सकते हैं कि ये एक बराबरी दावा होगा। द पाउंडिंग इन माय ईयर्स ड्रॉन आउट द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, कहती है कि बाकी के जो अल्फाज थे, पाउंडिंग इन माई ईयर्स, जो मेरे कानों में अंडेले गए थे, ड्राउंड आउट द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, तो वो बाकी लफ्ज़ों में कहती मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ओनली अ वर्ड हियर एंड देयर फिल्टर्ड थो, कि सिर्फ एक ही लफ्ज़, मतलब कौन सा फिल्टर्ड, फिल्टर होता है कि जब कोई चीज़ छन कर बाहर निकलती है, तो कहती एक वही लफ्ज़ जो वहाँ से छन कर मेरे दिमाग में, मतलब कानों में जिसकी आवाज़ें आने लगी, वो कौन सी वर्ड्स थे, मार्था इस मैक्सिकन, कि मार्था जो है वो मेक्सिको की रहने वाली है, मतलब माइग्रेटेड गर्ल है। रिज़ाइन इस्तीफ़ा, वॉन्ट डू इट, इससे काम नहीं चलेगा, यानी कि बस ये आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही हैं। मिस्टर श्मिट केम रशिंग आउट, अब क्या हुआ कि मिस्टर श्मिट जो हैं वो भागते हुए बाहर आए। एंड लकीली फॉर मी, कहती और ये मेरी खुशकिस्मती थी, वेंट डाउन द ऑपोजिट वे, कि वो जो है मुखालिफ रास्ते पे चल दिए, टुवार्ड्स द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम की तरफ। सो ही डिड नॉट सी मी, लिहाजा वो मुझे ना देख सके, क्योंकि ये बिल्कुल डोर के बिहाइंड पीछे खड़ी थी ना, तो वो इस साइड पे मुड़ने के बजाय दूसरी साइड पे चले गए। कहती शुक्र है कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। शेकिंग, शेकिंग मीन्स के कांपना, कहती मैं कांप रही थी। आई वेटेड अ फ्यू मिनट्स, कहती मैंने कुछ मिनट तक तो वहाँ इंतज़ार किया। एंड देन वेंट इन, और उसके बाद मैं अंदर गई यानी कि क्लासरूम में गई। एंड ग्रैब्ड माई बैग, और मैंने अपना बैग उठाया। एंड फाइल्ड फ्रॉम द रूम, और उस कमरे से तेज़ी से बाहर भागी। मिस्टर बून लुक्ड अप, मिस्टर बून ने कहती हैं कि मेरी तरफ ऊपर देखा। व्हेन आई केम इन, कि जब मैं कमरे में दाखिल हुई। बट डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला या कुछ नहीं कहा। To this day, I don't remember if I got in trouble in PE.
फॉर बीइंग लेट, कहती हैं कि उस दिन मुझे याद नहीं कि इफ़ आई गॉट ट्रबल, कि क्या मुझे तकलीफ़ हुई थी इन पीई, यानी कि वो जो फिज़िकल एक्सरसाइज की जो उनकी क्लास थी, फॉर बीइंग लेट, कि मैं वहाँ देर से पहुँची थी तो मुझे देर से जाने की तकलीफ़ हुई थी या नहीं, मतलब वो याद नहीं है क्योंकि उनके माइंड में टीचर्स की बातें घूम रही है ना, और हाउ आई मेड इट थ्रू द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून, और कहती है मुझे ये भी याद नहीं है कि बाकी जो दोपहर तक का जो वक्त था वो मैंने कैसे गुजारा। आई वेंट होम वेरी सैड, मैं बहुत उदास घर गई, एंड क्राइड इन टू माई पिलो दैट नाइट, और कहती उस रात मैं अपने जो पिलो है, जो तकिया है, उसमें रोती रही। सो दैट, ऐसा मैंने इसलिए किया, यानी कि तकिए में इसलिए रोई, ग्रैंड मदर वुड नॉट हियर मी, कि कहीं दादी माँ जो हैं वो मुझे ना सुन लें, मतलब वो ना सुने, इस वजह से अपने तकिए में रोती रही। इट सीम्ड अ क्रूअल को इंसिडेंस दैट आई हैड ओवर हर्ड दैट कन्वर्सेशन, कहती कि ये एक वाकई ही क्रूअल कोइंसिडेंस, के जालिमाना जो है वो इत्तफाक था कि मैंने उनकी जो गुफ्तगू है वो इत्तफाकिया तौर पर सुन ली थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, जब प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया इन टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, आई न्यू वट इट वुड बी अबाउट, तो कहती मैं जानती थी कि ये किस बारे में होगा, यानी मुझे किस सिलसिले में उन्होंने बुलाया है। ही लुक्ड अनकम्फर्टेबल एंड अनहैप्पी, वो बहुत ही बेचैन और नाखुश दिखाई दे रहे थे। आई डिसाइडेड आई वॉज नॉट गोइंग टू मेक इट एनी ईजियर फॉर हीम, कहती मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं इन्हें जो है इस काम को इनके लिए बिल्कुल भी आसान जो है बनाने वाली नहीं हूँ। सो आई लुक्ड हिम स्ट्रेट इन द आईज, कहती लिहाजा मैंने सीधा उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा। ही लुक्ड अवे, तो वो दूसरी तरफ वो देखने लग गए, एंड फिजर्स विद द पेपर्स ऑन हिज डेस्क, और वो इस तरह से शो करने लग गए कि अपने पेपर्स के साथ जिस तरह वो बिजी हैं। प्रिंसिपल अब क्या कह रहे हैं, मार्था, ही सेड, उन्होंने पहले तो इसका नाम लिया है, कहा मार्था, देयर हैज़ बीन अ चेंज इन पॉलिसी दिस ईयर रिगार्डिंग दी स्कॉलरशिप जैकेट, के इस साल जो है स्कॉलरशिप जैकेट को लेकर थोड़ी सी जो पॉलिसी है उसमें तब्दीली आ गई है। एस यू नो, जैसे कि तुम जानती हो, इट हैज़ ऑलवेज बीन फ्री, कि हमेशा से ये बिल्कुल मुफ्त रही है, यानी कि इसमें कोई भी हम पैसे नहीं लेते थे जैकेट देने के। ही क्लियर्ड हिज थ्रॉट, तो उन्होंने अपना जो गला है वो साफ किया, एंड कंटिन्यूड, और अपनी बात जारी रखी। दिस ईयर द बोर्ड डिसाइडेड टू चार्ज $15, कहती हैं कि इस साल, कहते हैं प्रिंसिपल, बोर्ड ने $15 वसूल करने का फैसला किया है, विच स्टिल वॉन्ट कवर द कम्प्लीट कॉस्ट ऑफ द जैकेट, कहते हैं कि फिर भी ये जो है $15 भी तुम्हें पता है कि जैकेट की पूरी कीमत को कवर नहीं कर सकेंगे। आई स्टेयर्ड एट हिम इन शॉक, कहती है कि मैंने सदमे से उनकी तरफ देखा, एंड अ स्मॉल साउंड ऑफ डिसमे एस्केप्ड माई थ्रॉट, और मायूसी की एक मामूली सी थोड़ी सी जो आवाज़ है तो वो क्या है, मेरे गले से, कहती हैं, एस्केप्ड यानी कि बचकर निकली। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, कहती हैं मैंने इसकी तवक्का नहीं की थी। ही स्टिल अवॉइडेड लुकिंग इन टू माई आईज़, वो अभी भी मेरी आंखों में देखने से बच रहे थे। सो इफ़ यू आर अनेबल टू पे द $15 फॉर द जैकेट, अब वो प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, लिहाजा अगर तुम जैकेट के लिए $15 अदा करने की तुम जो है सलाहियत नहीं रखती या उससे कासिर रही, इट विल बी गिवन टू दी नेक्स्ट वन इन लाइन, तो ये जैकेट जो है लाइन में खड़ी हुई तुमसे अगली, मतलब नेक्स्ट जो होगी अगली कतार में खड़ी हुई अगली बच्ची को दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लेसन का एंड होता है, पार्ट वन का। पार्ट टू आप इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़िएगा।